दोस्तों कमाल की बात है, आज मैं एक वीडियो डालने वाला था कि क्या कभी क्लासिक फिजिक डिवीजन बॉडी बिल्डिंग को टेक ओवर कर सकती है। और आज ही मैंने सुना जेरेमी बुंडिया के बारे में कि उन्होंने बॉडी बिल्डर्स के लिए किस तरह से बात करी है और क्या उन्होंने कहा। तो कुछ ऐसी बात कर दी दोस्तों जेरेमी बुंडिया ने जिसकी वजह से कई सारे बॉडी बिल्डर्स नाराज़ हो गए, इनफैक्ट बॉडी बिल्डिंग फैंस नाराज़ हो गए। और आज इसी वीडियो में मैं इसी से रिलेटेड बात करने वाला हूँ कि क्या जेरेमी ने कहा और क्या उसमें सही था या फिर क्या उसमें गलत लगा मुझे। तो दोस्तों बात करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है विरल, आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ओलंपिया यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, बात करते हैं जेरेमी बुंडिया के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के बारे में। तो जेरेमी ने ये बोला है कि 8-9 साल पहले के करीब लगभग बॉडी बिल्डिंग जो है वो मरने लग गई थी, जिसको कि हम लोगों ने आकर के बचाया है। स्पेशली मेंस फिजिक ने और वुमेंस बिकनी डिवीजन ने बॉडी बिल्डिंग को सेव करा मरने से, नहीं तो इसकी पॉपुलैरिटी लगातार गिरती जा रही थी, बॉडी बिल्डिंग के फैंस ख़त्म होते जा रहे थे। और आज हमारी वजह से बॉडी बिल्डिंग एक अच्छे मुकाम पर वापस आ रही है या फिर एक वापस ट्रैक पकड़ा है इस चीज़ ने। तो जेरेमी दोस्तों मेंस फिजिक डिवीजन के चैंपियन है, फिजिक कॉम्पिटिटर हैं, और ये बात बोल रहे हैं कि बॉडी बिल्डिंग को हमने सेव करा है, एक तरह से मरने से हमने बचाया है। तो कई लोगों को दोस्तों उन्होंने नाराज़ करा, स्पेशली बॉडी बिल्डर्स को, और बात इनकी गलत है, इस चीज़ को मानना पड़ेगा। अभी अपनी बात को कई सारे पॉइंट्स से प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने गलत नहीं बोला था ये चीज़ वो चीज़, बट इनकी बात में, इनकी स्टेटमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें गलत लगी। पहली बात दोस्तों ये है कि मेंस फिजिक वाले जो जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं ये पैदा ही 6 साल पहले हुए, अभी 6 साल इनको पूरे हुए नहीं आए हुए बिजनेस के अंदर, और बॉडी बिल्डिंग ऑलमोस्ट 53 सालों से चल रही है अगर मैं सिर्फ मिस्टर ओलंपिया की बात करता हूँ तो। लेकिन मिस्टर ओलंपिया कॉम्पिटिशन्स में दोस्तों हमेशा से बॉडी बिल्डिंग ने ही रिप्रेजेंट करा है पूरे मिस्टर ओलंपिया को, एक्चुअल बॉडी बिल्डिंग को रिप्रेजेंट मेंस ओपन डिवीजन ने ही हमेशा से करा है। तो अगर कोई ये बात बोलता है दोस्तों कि हमने बॉडी बिल्डिंग को बचाया है और हमारी वजह से आज ये वापस ट्रैक पर आ चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि तुम लोग अगर नहीं आते बचाने तो बॉडी बिल्डर्स ख़त्म ही हो जाते, और अगर तुम नहीं होते तो आज बॉडी बिल्डर्स भी नहीं होते। ये मेंस फिजिक कॉम्पिटिटर्स जो हैं दोस्तों ज़्यादातर तो ये सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़ होते हैं या फिर फेसबुक बॉडी बिल्डर्स, इंस्टाग्राम बॉडी बिल्डर्स, इन नामों से आजकल इनको जाना जाता है। और अगर इस टाइप की ये लोग बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इनको अंदाज़ा भी है बॉडी बिल्डिंग क्या चीज़ है, तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि इनको ये नहीं मालूम कि एक बॉडी बिल्डिंग किस स्पोर्ट्स को कहा जाता है, क्योंकि खुद ये फिजिक कॉम्पिटिटर है, ये बॉडी बिल्डर्स की कैटेगरी में नहीं आते। और एक बॉडी बिल्डर को दोस्तों सालों साल लग जाते हैं खुद को तैयार करने में, और ये मेंस फिजिक वाले 1-2 साल के अंदर ही ट्रेनिंग करने के अंदर अंदर आ जाते हैं, मिस्टर ओलंपिया तक में आ जाते हैं। ये बात फैक्ट है, आप अगर जेफ साइज को देखें 18 साल की एज में दोस्तों मिस्टर ओलंपिया कॉम्पिटिशन में आ चुके थे, वो 18 साल की एज में, बच्चे ही थे वो उस टाइम पर, तो बच्चों का खेल ही हुआ मेंस फिजिक के अंदर कम्पीट करना। आप मिस्टर ओलंपिया जैसे कॉम्पिटिशन में 18 साल की एज में आ रहे हो, अगर कोई बॉडी बिल्डर को कहा जाए आ जाएगा 18 साल की एज में बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी के अंदर मेंस ओपन के अंदर, नहीं आ सकता, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग टाइम लेती है, टाइम जाता है, मेहनत जाती है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है, हद से ज़्यादा अपने आप को पुश करना पड़ता है, और मील्स कितने ज़्यादा बॉडी बिल्डर्स कंज्यूम करते हैं, मसल मैच्योरिटी लाने में और मसल मास को इंक्रीज़ करने में दोस्तों सालों का वक्त लग जाता है। तो ये तो इसका मतलब आप बॉडी बिल्डिंग को नहीं समझते हो, इसलिए आप इस टाइप की स्टेटमेंट दे रहे हो और आपको लगता है आपने आकर के बचाया है। बॉडी बिल्डिंग डेफिनेटली अपने डाउनफॉल पर चल रही है, एक डाउन लेवल है बॉडी बिल्डिंग का इस टाइम पर, ये बात कोई भी एक्सेप्ट करेगा, पर डाउनफॉल कहाँ नहीं आता, कब नहीं आता, कभी 90s का आ रहा था जब बॉडी बिल्डिंग अपने बेस्ट पर थी, पीक पर चल रही थी, और आज बॉडी बिल्डिंग डाउन पर चल रही है। एक टाइम ऐसा दोबारा आएगा जिस पर जब बॉडी बिल्डिंग वापस अपने पीक पर जाएगी, तो तुम कौन होते हो बचाने वाले, तुम लोग कहाँ से आए निकल के कि तुम बचाओगे। हो सकता है मेंस फिजिक की दोस्तों ख़त्म हो जाए आज से आने वाले 4-5 सालों बाद, जब जिम मैन इनको लगे या फिर IFBB को लगे कि हमें इससे फ़ायदा नहीं हो रहा, इस डिवीजन से बंद कर देंगे, कर चुके हैं बंद, पहले भी कर चुके हैं और डिवीजन्स को बंद। तो बॉडी बिल्डिंग तो दोस्तों पिछले 50-53 साल से IFBB ने इंक्लूड कर रखी है और चल रही है पिछले 50 सालों से, आगे भी चलती रहेगी, बट ये डिवीजन्स इनके अंदर कभी कोई चेंज लेकर आ जाते हैं लोग, कभी कुछ हो जाता है और कभी बंद भी हो जाती हैं, तो ये लोग क्या बचाएंगे, पता लगे इन लोगों की खुद ही डिवीजन बंद हो जाए। तो इस टाइप के वर्ड्स यूज़ करने गलत है कि हमने बॉडी बिल्डिंग को आकर के बचाया है, और ये लोग नहीं समझते कि बॉडी बिल्डर को कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक बॉडी बिल्डर जो है मेंस फिजिक कॉम्पिटिटर आसानी से बन सकता है या क्लासिक फिजिक कॉम्पिटिटर आसानी से बन सकता है, अगर एक कोई बॉडी बिल्डर जो अच्छा नहीं कर पा रहा अपनी फील्ड में तो वेट लूज़ करके आ सकते हैं, और आए हैं ऐसे बॉडी बिल्डर्स जो कि मेंस ओपन में कम्पीट करा करते थे, बाद में क्लासिक फिजिक में आ गए, और मेंस फिजिक में जाना और भी ज़्यादा आसान है, तो सबसे ज़्यादा डाउन लेवल तो इसी का ही है। और एक मेंस फिजिक कॉम्पिटिटर को कहो कि आप जाकर कम्पीट करो मेंस ओपन बॉडी बिल्डर्स के बीच में, तो उसको कई साल लग जाएंगे दोस्तों, 4-5 साल लग जाएंगे उतना मसल मास गेन करने में, उतनी डेंसिटी मसल के अंदर लाने में, मसल मैच्योरिटी अचीव करने में। बट एक मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग वालों को कहोगे तो 4-5 महीने हद से हद लगेंगे। वेट ड्रॉप करने में टाइम कितना जाता है, एक बॉडी बिल्डर को ज़रा सी इंजरी हुई नहीं कि पूरा मसल मास लूज कर देते हैं। तो मसल मास लूज करना बहुत आसान है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत आसान स्पोर्ट्स है मेंस फिजिक, बट एक मेंस ओपन बॉडी बिल्डर
उसको कंपेयर नहीं कर सकते आप इस डिवीजन के साथ में, और आप कोई नहीं होते हो जो कि बचाने वाले हो इस डिवीजन को, और आप नहीं आते तो डिवीजन डूब जाती। ये चीज़ कहना गलत है, और आज भी बॉडी बिल्डिंग जिंदा है और उठेगी, एक टाइम आएगा जब वापस उठेगी, वापस अपने उस ट्रैक पर जाएगी, हमेशा इस तरह से तो नहीं चलने वाला। और दोस्तों मेंस फिजिक की पता है बात क्या है, पॉपुलर बहुत ज़्यादा है ये, इसकी पॉपुलैरिटी है, इस चीज़ को मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ और कोई भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। पॉपुलैरिटी क्यों है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। पॉपुलैरिटी इसलिए है क्योंकि इसमें जाना आसान है, इसमें आजकल देखें ना यंग जो भी बच्चे हैं कितने ज़्यादा कम्पीट कर रहे हैं, 19-20 साल के लड़के जो हैं जा रहे हैं इसके अंदर कम्पीट कर रहे हैं, और कुछ कुछ लोग तो दोस्तों ऐसे भी जिनको सिर्फ अभी 2 महीने हुए हैं ट्रेनिंग करते हुए और उतर जाते हैं वो NPC शोज़ खेलने के लिए मेंस डिवीजन के अंदर, मेंस फिजिक के अंदर। तो कितने सारे लोग इसके अंदर जुड़ते जा रहे हैं, आसान चीज़ है ना ये, इसलिए तो जुड़ रहे हैं। 2-2 महीने की ट्रेनिंग के बाद कौन कम्पीट करता है, कोई बॉडी बिल्डर सुना है 2 महीने ट्रेनिंग करी हो उसने अपनी लाइफ में और उतर गया अपने सबसे पहले कॉम्पिटिशन में? नहीं हो सकता, क्योंकि मजाक नहीं है बॉडी बिल्डिंग, बट मेंस फिजिक डिवीजन एक मजाक है सही में। जिस हिसाब से इसको आजकल रूप दिया जा रहा है या जिस हिसाब से लोग कम्पीट कर रहे हैं ना, भर भर के इतने सारे लोग कम्पीट कर रहे हैं, मन करा और उठ के चल दिए, तो मजाक बना दिया है। अब आप ये देखिए ना दोस्तों, मिस्टर ओलंपिया के अंदर 40-40 मेंस फिजिक कॉम्पिटिटर कम्पीट करते हैं, मिस्टर ओलंपिया जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है उसके अंदर, जबकि अगर मैं मेंस ओपन की बात करूँ तो सिर्फ 18 बॉडी बिल्डर्स ही कम्पीट करते हैं। क्यों, इतना फ़र्क क्यों है? क्योंकि एक ईजी वे दे दिया गया इन एथलीट्स को मेंस फिजिक के फॉर्म में, और जिस हिसाब से मेंस फिजिक कॉम्पिटिटर्स कम्पीट कर रहे हैं ना, सही में बच्चों का खेल है ये। जैसे कि मैंने आपको जेफ साइथ का एग्जांपल दिया, या कितने सारे आजकल ऐसे हैं बॉडी बिल्डर्स जो कि मेंस फिजिक में जा रहे हैं, थोड़े टाइम की ट्रेनिंग करी उतर गए मेंस फिजिक खेलने के लिए। तो आसान है तभी तो इतने लोग जुड़ रहे हैं, और इतने लोग जुड़ रहे हैं इसलिए पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। इसलिए जेरेमी ब्यूंडिया ने ये बात बोल दी कि हमारे स्पोर्ट्स ने वापस एस्टैब्लिश करा है पूरी इस कम्युनिटी को, ज़्यादा लोगों को सोशलाइज़ करा है, एस्टैब्लिश ज़रूर करा है, सपोर्ट ज़रूर करा है, बट बॉडी बिल्डिंग की जगह आप लोग कैसे ले सकते हो? आप लोग इतने पॉपुलर तो कभी नहीं हो सकते कि आप बॉडी बिल्डर्स को रिप्लेस कर दोगे, उनके हार्ड वर्क को आप रिप्लेस कर दोगे, नहीं, पॉसिबल नहीं है ये चीज़। गलत वर्ड्स हैं ये जो जेरेमी ने बोले हैं, और इस वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रॉल कर रहे हैं लोग, कई सारे बॉडी बिल्डर्स उनको उनके खिलाफ बोल रहे हैं। डेक्सटर जैक्सन ने ये बात बोली है कि अगर ऐसी बात है तो ऐसा करो कि मेंस फिजिक और वुमेंस बिकनी को एक तरफ पे कर दो, उनका शो एक दिन रखो मिस्टर ओलंपिया में, और मिस्टर ओलंपिया जो मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग का शो है वो अगले दिन रखो या किसी और दिन रखो, और फिर ये चीज़ बताओ कि कितने लोग जाते हैं वुमेंस बिकनी और मेंस फिजिक को देखने के लिए, और कितने लोग जाते हैं मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग को देखने के लिए। क्लियरली पता लग जाएगा दोस्तों कि आज भी लोग बॉडी बिल्डिंग को देखना चाहते हैं। बॉडी बिल्डिंग अपने डाउन पर चल रही है वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग इशू है, बट बॉडी बिल्डिंग को रिप्लेस नहीं कर सकते आप लोग, आप लोगों की इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है। और अगर आपको मैं टिकट्स के रेट्स बताऊँ उनके मेंस फिजिक वालों के, तो $20 से $30 का टिकट होता है जब मिस्टर ओलंपिया में लोग, अगर आपको देखने के लिए जाना हो मिस्टर ओलंपिया, तो $20 से $30 की इनकी होती है, और एग्जीबिशन हॉल के अंदर वो होता है जो मेंस फिजिक का होता है शो पूरा का पूरा। और जबकि मैं अगर मेंस ओपन की बात करता हूँ तो लगभग $300-$400 की एक टिकट होती है, वहाँ $20 की, $30 की है, यहाँ पे $300 से $400 की है। तो फ़र्क आपको यहीं पता लग जाएगा कितना ज़्यादा फ़र्क है मेंस ओपन में और मेंस फिजिक में। और मेंस ओपन पूरा एक अरीना, बड़े अरीना के अंदर होता है, और हमेशा फाइनल इवेंट मेंस ओपन ही होता है। तो पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा मिलता है मेंस ओपन के बॉडी बिल्डर्स को, तो यूँ ही नहीं मिलता, और पॉपुलैरिटी तो आती जाती रहती है, पॉपुलैरिटी की वो बात नहीं है। डाउनफॉल और जो पीक होता है ये दोनों तो हिट करते रहते हैं हर एक स्पोर्ट्स में, हर एक फील्ड में। और दोस्तों ये चीज़ आजकल के ज़माने में थोड़ी गलत हो रही है, डोरिनेट्स भी ये बात बोलते हैं कि आजकल प्योर हार्डकोर बॉडी बिल्डिंग का जो पैशन है ना लोगों में वो खत्म हो चुका है। 90s के एरा में प्योर हार्डकोर बॉडी बिल्डिंग थी, आजकल वो चीज़ खत्म होती जा रही है और बॉडी बिल्डिंग ज़्यादा शिफ्ट हो गई सोशल मीडिया के ऊपर। तो दोस्तों ये कहना सही होगा कि मेंस फिजिक ने या फिर क्लासिक डिवीजन ने बॉडी बिल्डिंग को एक तरह से डाइवर्सिफाई करा है या फिर एक तरह से हेल्प करी है ज़्यादा लोगों को एंगेज करने में, बट अगर ये कहा जाए कि बॉडी बिल्डिंग को डूबते हुए बचाया है वो चीज़ गलत है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि जेरेमी ने आजकल के बॉडी बिल्डर्स की इंसल्ट करी है या फिर बॉडी बिल्डिंग फील्ड की इंसल्ट करी है ये बात बोल करके। तो डेफिनेटली दोस्तों डेवलप करा है क्लासिक ने और मेंस फिजिक ने पूरे स्पोर्ट्स को, बट जेरेमी कोई ऐसे इंसान नहीं है जो कि अपने हाथ में मशाल लेकर चल रहे हैं और पूरी बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी को लीड करने वाले अकेले यही एक ऐसे एथलीट हैं। तो बस यही था दोस्तों इस वीडियो में, आपको आपका क्या सोचना है बॉडी बिल्डिंग को लेकर के और मेंस फिजिक के बारे में, जो मैंने कहा कि एक तरह से बच्चों का खेल बन चुका है। तो मुझे लग रहा है कई लोग आप में से इस चीज़ को शायद गलत तरीके से लेंगे, गलत वे में लेंगे मेरी बोली हुई बात को, बट इस चीज़ के लिए दोस्तों मैं सॉरी चाहूँगा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई ऐसा इंसान जो कि 2 महीने की सिर्फ ट्रेनिंग करके उतर रहा है किसी बॉडी बिल्डिंग शो में या फिर मेंस फिजिक के अंदर, तो वो कोई एथलीट नहीं है, उसको हक नहीं है एथलीट कहलाने का, और ऐसा हो रहा है इसी डिवीजन के अंदर मेंस फिजिक में। तो बस दोस्तों आप लोग नीचे अपनी राय लिखिएगा, बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं। अगली बार दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।